जयराम जी की। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे या कुछ लोग मिसिंग होंगे नहीं जानते होंगे कि जो केरल के वायनाड में ये भयंकर त्रासदी लैंडस्लाइड देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार लैंडस्लाइड हुआ है उसमें लगभग 316 लोग मारे जा चुके हैं, 200 से 250 लोगों की मिसिंग भी है। उनका कोई मालूम नहीं है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो देखते हैं अभी ये लैंडस्लाइड से कितने परिवारों को दुख की सूचना मिलेगी, जो कि अपने आप में अनएक्सपेक्टेड था। और मैं भी यही चाहूँगा कि वहाँ पे लोग जो अभी सरवाइव कर रहे हैं, जिनके ज़्यादा चोटें नहीं लगी, जिनको हल्का फुल्का चोटें लगी हैं, तो रिकवर हो जाएं, ठीक हो जाएं, और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनको भगवान की आत्मा शांति दे। और क्या ही कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो या तो हमारी गलती होती है या फिर कहावत होती है गेहूँ साथ घूम भी पीसा जाता है। हमें नेचर दी है टू सेफ नेचर। जैसे लोगों को लगता है वायनाड के लैंडस्लाइड्स एक नेचुरल डिजास्टर हैं, लेकिन दोस्त ये मैनमेड भी हैं। इन मैप्स को ध्यान से देखिए, ये आपको वायनाड डिस्ट्रिक्ट में 1950 से अब तक हुआ डिफॉरेस्टेशन बताती हैं। 1950 से 2018 के बीच वायनाड के 62% जंगल काट दिए गए थे और प्लांटेशन 1800% से बढ़ा था। और इसीलिए कुछ ही महीनों पहले IIT दिल्ली की रिलीज हुई ये रिपोर्ट कहती है कि 58% ऑफ वायनाड लैंडस्लाइड्स के हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आप हिली रीजन में बिना कोई प्लानिंग के पेड़ काटेंगे, प्लांटेशन और माइनिंग करेंगे तो लैंडस्लाइड्स उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इसके अलावा वायनाड वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है और 2011 की ये एक्सपर्ट रिपोर्ट कहती है कि वेस्टर्न घाट्स को एक इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसा करने से यहाँ पे कई ऐसी एक्टिविटीज बैन हो जाएंगी जो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन करती हैं। लेकिन 14 साल और 5 ड्राफ्ट के बाद भी केरला और कर्नाटका ने इसे अभी भी अप्रूव नहीं किया है। इसे वेस्टर्न घाट्स के सेंसिटिव एरियाज अभी भी सेफ नहीं है और ऐसे हादसे फ्यूचर में और ज्यादा हो सकते हैं। और इसीलिए अब उत्तराखंड और हिमाचल में भी ऐसे डिजास्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी बिना कोई चेक्स के अनदेखा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। शेयर करें ताकि सबको ये पता चले।